इसलिए शाम को भूत चढ़ा कि भैया सारा सामान लगाओ और निकालो। और आपको ये गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? और यहाँ पर मैंने ले रखा है दुपट्टा। ये दुपट्टा अक्सर शादियों में पहना जाता है ना, मतलब लड़के लोग पहनते हैं उसके साथ, कुर्ता पजामे के साथ पहनते हैं ना, आपने देखा होगा। तो ये प्रशांत का ही है दुपट्टा, उनके कुर्ते के साथ वो पहनते हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं आज शर्ट के साथ ये इस टाइप का दुपट्टा पहने हुए, ये टी शर्ट पहनी हुई है, उसके साथ ये दुपट्टा डाल लिया है। एक्चुअली घर में चल रही है तैयारियाँ। जी हाँ, घर में चल रही है तैयारियाँ। अभी मैं गोवा से लौटी हूँ थोड़े दिन पहले ही, और अब एक और तैयारी करनी पड़ रही है क्योंकि घर में है शादी। मेरे ससुराल साइड में शादी है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। काफ़ी दिन बाद हो रही है घर में शादी। और फिलहाल मैं आपको अपने घर का हाल दिखाती हूँ क्या हो रहा है, घर का नहीं मेरे बेडरूम का हाल क्या हो रहा है वो दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा रूम मेरा फैला पड़ा है, सारा सामान मैंने बाहर निकाल लिया है। ये देखिए मतलब सारा, मतलब जो मुझे लग रहा था कि शादी में मेरे काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े तो निकाल कर बाहर रखे हैं, कुछ साड़ियाँ। अफकोर्स ससुराल साइड में शादी है और शादी में तो वैसे भी साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं या लहंगा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी साड़ियाँ निकाल कर रखी हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी साड़ी पहनूं शादी में। एक तो मेरे पास ये वाली साड़ी है, आपने देखा होगा, ये वाली साड़ी मैंने एक ही बार पहनी है करवा चौथ पे, और ये साड़ी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। मुझे लगता है मेरे पास अब तक की सबसे ज्यादा जो फेवरेट साड़ी है ना मेरी, वो यही है जो मैंने इस बार करवा चौथ पर पहनी थी। एक तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ये पहन लूं क्योंकि इतनी प्रीटी सी साड़ी है, फिर इसके साथ जो बैंगल्स का सेट है वो ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे जाकर बनवाना नहीं पड़ेगा। कोई और साड़ी पहनूंगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगा मार्केट तो एनीवेज मुझे अभी भी जाना पड़ेगा थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए। और ये इसका जो ब्लाउज है ना वो भी बहुत प्यारा सा है। तो एक तो हो सकता है मैं ये वाली साड़ी पहनूं, फिर एक मेरे दिल में आ गया कि मैं ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ, ये मोती का काम हो रहा है साड़ी में। ये वाली साड़ी भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैं मम्मी को दिखा दूंगी वहीं पर जाकर, जो भी उन्हें पसंद आएगी वो पहन लूंगी। क्योंकि क्या है ना कि एक दो साड़ी मैं रखकर ले ही जाती हूँ, वरना मुझे इस टाइम समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी पहनूं। दूसरी साड़ी जो मैं दिखा रही थी वो कुछ इस तरीके से है, चुंदरी प्रिंट में है और इसमें मोती लगे हुए हैं, लेस वगैरह लगी हुई है। एक और जो साड़ी है फिर वो ये वाली साड़ी है जो बनारसी साड़ी है, ये मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है और ये भी मुझे बहुत पसंद है साड़ी। ये एक बार मैंने दिवाली पर पहनी थी और बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो एक मन कर रहा है कि ये वाली साड़ी पहन लूं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े तो बहुत सारे निकाल लिए लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है, जब कहीं जाना होता है ना तो यही होता है कि ये समझ नहीं आता कौन सी साड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ ये वाली प्लस ये वाली और एक ये वाली, तीनों साड़ी रखकर ले जाती हूँ, जो मम्मी को समझ में आएगी जो पसंद आएगी वही मैं पहन लूंगी। तो ये तो रही शादी के रात की बात। एक दो जोड़ी फेरों के लिए भी मुझे कपड़े रखने थे, तो फेरों के लिए मैंने चूज किया है ये, जो मैंने बिल्कुल अभी तक पहना ही नहीं है, नया है बिल्कुल। इनफैक्ट ये कल ही आया है, बहुत ही प्यारा सा सूट है ये। सूट क्या है, इसके साथ स्कर्ट है। एक्चुअली ये स्कर्ट रहेगा नीचे, जैसे कि लहंगा स्टाइल में स्कर्ट रहेगी, पूरी घेरदार है काफी। और इसके साथ ये है इसकी, इसका गाउन है, ये गाउन है जो फ्लोर लेंथ तक है। इसका डिजाइन बहुत प्यारा है गाइस, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये ना फ्रंट से ओपन है, इस टाइप से फ्रंट से ओपन है और यहाँ पर एक चोली है, नीचे इसमें स्कर्ट आ जाएगी और नीचे जो आप देखोगे तो इस टाइप का बॉर्डर लगा हुआ है। तो बहुत ही प्रिटी है ये सूट अपने आप में, और ये आजकल फैशन में भी है काफी टाइम से, बल्कि फैशन में है स्कर्ट के साथ फ्लोर लेंथ के गाउन। तो वो है ये वाला पेयर। तो ये मैं सोच रही हूँ कि फेरों के लिए रख लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे यहाँ शादी किसकी है। तो मेरे घर में मेरे ससुराल के भी ससुराल में शादी है, मतलब एक तो हो गई मेरी ससुराल जानकी मुरादाबाद, एक मेरी ससुराल की ससुराल मतलब मेरी दादी सास के घर यानी कि चंदौसी। तो प्रशांत का जो मम्मी पापा का घर है ना वो तो वैसे मुरादाबाद में, लेकिन वो लोग हैं चंदौसी के। तो मेरी दादी सास, ददिया ससुर, ये सब लोग चंदौसी से हैं। तो वहीं पर मेरे चाचा ससुर भी रहते हैं, उनके बेटे की शादी है, छोटे बेटे की, उनके दो बेटे हैं, एक बेटे की शादी पहले हो चुकी है। तो वैसे प्रशांत घर में सबसे बड़े हैं, तो मैं जिठानी हूँ, मेरी सारी देवरानी आने वाली है। तो एक देवरानी तो आ चुकी है, एक और आने वाली है नई वाली जिसकी शादी में मैं जा रही हूँ।
तो बेसिकली मेरे देवर की शादी है और इसीलिए मैंने आपको बोला ससुराल के भी ससुराल में जा रही हूँ मैं अपने चंदौसी। बहुत क्रेज है मुझे वहां पर जाने का क्योंकि इस बार ना शादी में सब लोग मिलने वाले हैं, यानी कि प्रशांत की बुआ वगैरह मिलेंगी और प्रशांत की साइड के सारे लोग होंगे वहां पर, फिर अपने मम्मी पापा तो होंगे, फिर मेरी सिस्टर लॉज भी जा रही है, एक सिस्टर लॉ तो हमारे साथ ही जाएंगी जो यहीं पर रहते हैं पास में, वो हमारे साथ यहीं से निकलेंगे शादी के लिए और घर के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और इतने दिन बाद मतलब मौका मिल रहा है तो मैं सोच रही हूँ क्या पहनूं, बेस्ट से बेस्ट पहनने की सोच रही हूँ लेकिन अभी दिमाग नहीं चल रहा। मैंने कशिश से भी पूछा, कशिश भी बोल रही है कि दादी से पूछ लेना, मम्मी आप दो तीन साड़ी रख कर ले जाओ। तो इस तरीके से मुझे जाना है चंदौसी शादी में अपने ससुराल में। इतने दिनों बाद प्रशांत के घर में शादी है तो ऑफकोर्स कशिश को भी मैं लेकर जाऊंगी। वैसे भी प्रशांत के मतलब पापा की साइड में ये शादी है तो ये लास्ट शादी है जो प्रशांत के घर में अभी होने वाली है उनके भाइयों में, तो प्रशांत को भी बहुत मन है कि पूरा हमारी फैमिली वहां पर जाए शादी अटेंड करे। कशिश को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि वो भी घर में सभी लोगों से मिले, उसे भी पता चले हमारे फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तब वो चंदौसी गई थी तो अभी जब बड़ी हो गई है तो समझने लगी है चीजें, तो और अच्छा लगेगा सब लोगों से मिलकर। कई मौके होते हैं जहां पर बच्चों को रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता है, थोड़ी सी एक पहचान सी बनती है और बच्चों को हमेशा याद भी रहता है। तो कशिश ने डिसाइड किया है, कशिश तूने क्या पहनना है? हाँ कशिश के भी मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं। हाँ मैं सोच रही हूँ लहंगा पहन लूँ। एक तो मैंने इसका ये वाला सूट, ये नहीं है तो मेरा पैरों के लिए निकाला है मैंने ये वाला सूट इसका, और ये मेरा फेवरेट पटियाला सूट है, ये पटियाला सूट मैंने निकाल लिया। कशिश तू उस दिन सुबह पहन लेना, उसी दिन जिस दिन शादी है सुबह के टाइम पहन लो उसे। हाँ उसे अच्छा लगेगा। और ये एक लहंगा निकाला है मैंने इसका, ये वाला ये क्रीम और गोल्डन कलर का, तो ये पहनेगी ये तब। तो ये है, बाकी सारी तैयारी चल रही है। प्रशांत ने भी अपने कपड़े बाहर निकाल के रख लिए हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पहनूं क्या ले जाऊं। कशिश क्या खा रही हो? पास्ता, रेडीमेड पास्ता खा रही है। पता है मैंने कुछ मंगाया है, पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, इससे पहले भी एक बार मंगाए थे लेकिन मैं लगा नहीं पा रही थी ढंग से, लेकिन इस बार मेरी सिस्टर लॉ लगा देंगे, उनको आते हैं लगाने, वो बोल रही थी मैं लगा दूंगी, भाभी आप मंगा लो। क्या मंगाया है मैं दिखाती हूँ, लेंस। फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी मैं इस बार लेंस। शादी में मेरा मन था, मेरा मन था कि मैं किसी की भी शादी में या कोई फंक्शन या पार्टी में कभी लेंस लगा के देखूं कैसा लगता है, मेकअप और साड़ी वगैरह के साथ, ड्रेसेस के साथ बहुत ऑसम लगता है, मैंने लोगों को देखा है लगाए हुए। ग्रे वाले तो अच्छे लगते हैं तो ये मैंने ग्रे कलर के मंगाए, पता नहीं कितना सक्सेसफुल होते हैं। वैसे तो फ्रेश लुक के हैं, फ्रेश लुक के काफी अच्छे हैं, अमेजोन से मंगाए ये, और पता है ये मतलब 10 थे, ये 10 लेंस हैं जो मुझे 600 रुपीज के मिले हैं, और 10 का मतलब ये है कि वन पेयर वाइज अगर आप करोगे तो 5 लेंस है, तो 5 लेंस है, ग्रे कलर के हैं, फ्रेश लुक के हैं, और मतलब सही प्राइस में पड़ गए 600 के हिसाब से तो, लेकिन ये वन टाइम यूज वाले हैं, ये वो वाले नहीं है। एक जो इससे पहले मेरे पास थे ना फ्रेश लुक के, वो आप कहते हैं 6 मंथ तक यूज कर सकते थे, वो थोड़े महंगे थे इससे, वो शायद 700 के थे जिसे आप 6 मंथ तक यूज कर सकते हो, लेकिन वो एक ही पेयर थे, तो मैंने यूज एंड थ्रो वाले इसलिए मंगाए कि मैं इतनी केयर नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली मैं रेगुलर तो लगाती नहीं हूँ, तो वन टाइम लगाने के बाद खुशी मिल गई, उसके बाद फेंक दो, रिव्यू भी पता चल जाएगा फिर। हाँ ये भी पता चल जाएगा कि कैसे हैं। फर्स्ट टाइम लगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे लगते हैं, अगर सक्सेसफुली लग पाए, मिनी दीदी ने प्रॉमिस किया है वो लगाएंगी मेरे। तो पता है ये शादी की जो तैयारी है ना अचानक से कर रही हूँ मैं, मतलब सोचा नहीं था, ऐसे तो पता थी घर में शादी है शुरू से ही पता थी। याद होगा आपको मम्मी आई थी तो मिठाई लेकर आई थी, आप लोग बोल भी रहे थे कि मम्मी किसकी शादी के लिए मिठाई लेकर आई, तब वो सगाई हुई थी उनकी तो वो सगाई की मिठाई लेकर आई थी, तब हम सगाई में नहीं जा पाए थे कशिश के एग्जाम्स की वजह से, तो वो मेरे देवर की ही सगाई थी जिसमें मम्मी गई थी तो मिठाई लेकर आई थी जब हमारे घर आई थी। तो अब शादी है, शादी की डेट वगैरह पहले से पता थी लेकिन ना गोवा के चक्कर में ना सब ऐसे हौच-पौच सा हो गया, तो अब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कितने, मतलब हम सोच रहे थे कि जिस दिन आप कट रहे हो बैठ जाओ इधर, या तो मैं तो हम लोग जो गोवा के चक्कर में जो हमारा आने जाने का प्लान था कब जाएंगे अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन तैयारी फुल टू है और देखते हैं कैसे क्या प्लान बनता है, बट होपफुली सब लोग मिलने वाले हैं, मेरे कजन्स जितने भी है ना जैसे, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे बुआ के बच्चे
सब मिलेंगे, मतलब मेरे कजिन्स, फर्स्ट कजिन्स और मेरे चाचा के बच्चे सब मिलेंगे। लखनऊ से आ रही है इनकी बुआ वगैरह। हाँ, और सब जो घर में बड़े हैं सब लोग आएंगे, तो होपफुली काफी मजा आने वाला है। हम लोग मतलब खासकर से मैं जा रहा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इनका नाम इतना फेमस है ना, चिंटू। हाँ, मेरा नाम चिंटू बहुत फेमस है, मैं घर में बहुत फेमस हूँ, क्योंकि बचपन में ना मैं बहुत बदमाश था, तो सबको मेरी बदमाशियाँ बहुत याद है। और घर में जैसे होते हैं ना सब लीडर टाइप का, तो मैं बड़ा और मेरे पीछे पीछे मेरी सारी बहनें, भाई, हम सब छोटे, खूब लड़ते थे और खूब खेलते थे, अभी भी याद है। एक्चुअली मम्मी ना पहले ही जा रही है, दो तीन दिन पहले जा रही है शादी में, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन वगैरह में थोड़ा हेल्प हो जाएगी। एक्चुअली जब हम यूएसए लौट के आए थे तो उसी अराउंड में मेरी चाची की डेथ हो गई थी, शी पास्ड अवे। तो अभी घर में चाचा हैं और वो सब मम्मी से पूछ पूछ कर रहे हैं, तो भाई हमारा भी बनता है कि हम जाके वहाँ पे थोड़ा पहले पहुंच जाएं, या उस मतलब थोड़ा पार्टिसिपेट करें वहाँ पे, तो इसलिए सब लोग वहाँ पे आ भी रहे हैं। और मेरे घर में तो ये आखिरी, मतलब कहना चाहिए उस जनरेशन में, मेरी जनरेशन में आखिरी शादी है। तो चाचा है और फिर जो चाचा के बड़े बेटे हैं ना, मेरे बड़े वाले देवर, उनकी वाइफ है। तो सब लोग मिलेंगे, आप चिंता मत करो, सब लोगों से मिलवाएंगे आपको, मेरा चंदौसी दिखाएंगे आपको, वैसे चंदौसी से कौन कौन है बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और उसके आसपास से भी चलेगा। बसंत पंचमी की शादी है वैसे भाई। हाँ, साया है उस दिन, तो उस दिन तगड़ा वाला साया है, जोरों शोरों से तो हम तैयारी शुरू से नहीं कर पाए, लेकिन आज हमने सोचा कि आज अब नहीं किया तो कब किया। तो इसलिए शाम को भूत चढ़ा कि भैया सारा सामान लगाओ निकाल। और आपको यकीन नहीं आएगा, आज ही मैं दो साड़ियां फॉल लगने के लिए लेकर आई हूँ, और ब्लाउज सिलने के लिए लेकर आई हूँ, और पता है फॉलो अप कर रही हूँ बार बार, हर आधे घंटे बाद कि मेरी ब्लाउज सिल गए। वैसे वो वायदा में बहुत अच्छी है, पता है मैंने सुबह ही उनको दिया और बताया मजबूरी कि मुझे ना साड़ी के ब्लाउजेस स्टिच कराने हैं, तो वो मान गए, तुरंत मान गए। वो बोले कि अगर आपको जरूरत है तो मैं आपका काम पहले कर दूंगी। तो देखो वो दे दे, होप सो, उम्मीद तो पूरी कर रही हूँ, वो शाम तक दे दे, शाम तो हो ही गई है इनफैक्ट। और इस जल्दबाजी में मतलब मैं तो कुछ नहीं करवा पाया, जल्दी अपने लिए कुछ नहीं बनवा पाया, बट कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा, अरेंज कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अभी मुझे मार्केट जाना है, प्रशांत मार्केट लेके चलो मुझे एक दो, अभी नहीं देख लेते हैं अगर मार्केट, अभी तो 7 बज रहे हैं, तुम्हारा साड़ी का काम भी है, और फिर उसके बाद में मार्केट खुलेगा कि नहीं खुलेगा आई डोंट नो, और तुम्हारा जो पर्टिकुलर काम है वो कल सुबह कर लेंगे अगर कल हुआ तो। ठीक है चलो, है ना, जोर शोर से तैयारी चल रही है। अभी इसकी मैचिंग की चूड़ियों का सेट बनाना है, उसका तो बना हुआ है इसका। मेरे भी तो चूड़ियों का सेट होगा। हाँ कशिश, तेरी चूड़ियों का सेट दे दे मुझे, बना दो रात का कपड़े ले लो। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। सबकी तैयारियां जोर शोर से हैं, और मुझे नहीं मालूम है मैं क्या पहनने वाला हूँ, मैं भी अपना लगाने वाला हूँ, अभी कर रहा हूँ। कुर्ते पजामे ले आओ थोड़े से, ये रखे हैं ना यहाँ पे, नहीं और भी है तुम्हारे पास, वो जो ग्रीन कलर का एक वो वाला लेके आओ, तो मैं ये लो। अच्छा देखता हूँ, ये क्यों रखवा रही है? अरे इसको नींद में ऐसे कपड़ों में आती है, मुझे पता है, तो इसलिए रखवा। ठीक है चलो, अपने अपने कपड़े अपने कम्फर्ट। ओके भाई साहब, ओहो सामान, दो अटैची आ जाएंगी फिर क्या? बड़ी अटैची कर लो प्रशांत। बड़ी अटैची में यार दिक्कत होती है, दो अटैचियां रख लेते हैं छोटी। चलो ठीक है, तो मैं और कशिश अपना इसमें रख लेते हैं। हाँ, आप अपना अलग कर लो। एग्जैक्ट, गोल्ड चलेंगे या सिल्वर? तेरे इस पे गोल्ड चलेंगे बेटा, ये लो गोल्ड वाली। मिक्स एंड मैच भी कर सकती है तेरा गोल्ड और व्हाइट का, जैसे ये व्हाइट है ना, तो वो व्हाइट के साथ चला जाएगा, और गोल्ड के साथ गोल्ड ही पहन लेती हूँ। दो साड़ियाँ तो पक्की हो गई मेरी, अभी अभी जस्ट फोन पे बात हुई थी मेरी, जिनको मैंने ब्लाउज सिलने को दिया हुआ है, वो बोल रही है 10:30 बजे तक आ जाओ, आपका ब्लाउज तैयार मिलेगा। मेरे साथ पहली बार ऐसा होने वाला है कि रात में मैं 10:30 या 11 बजे किसी टेलर के पास जाऊँ। आई गेस बहुत सारी लेडीज के संग ये प्रॉब्लम होती है, तो टेलर के पास या किसी ना किसी का चक्कर रात में 11 बजे। मैं थैंकफुल हूँ कि वो मेरा इतना जल्दी काम करके दे रही है, तो इससे बेटर क्या बात है ना। तो यहाँ पर हमारा डिनर भी आ चुका है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। पापा का डिनर आ चुका है, मैं तो नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं कशिश भी खाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली मेरे पास टाइम ही नहीं था आज पिज्जा के लिए, तो मैं आज बस भागे जा रही हूँ उधर से उधर उधर से उधर। पिज्जा के लिए तो कभी भी टाइम, पेट में जगह, एक्स्ट्रा पॉकेट होती है। तो एक साड़ी मैंने ये वाली भी रखी है, और ये अभी अभी जस्ट फॉल लग कर आई है,
ब्लाउज अभी भी रेडी नहीं हुआ है, इसका सुबह मिलेगा मुझे, लेकिन हाँ साड़ी रेडी हो चुकी है। चलो इस पे लगवाई थी फॉल मैंने, एक और साड़ी पे लगवाई थी, दोनों पे फॉल लग के तो आ गई है, ब्लाउज बचे हैं। इसके मैचिंग का मैंने ये वाला नेक पीस रखा है, दिखाती हूँ आपको, फर्स्ट टाइम ही पहनूंगी ये नेक पीस भी और ये साड़ी भी। तो नेक पीस बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये दिखाती हूँ आपको। तो मैं सोच रही हूँ ये शादी वाले दिन पहन लेती हूँ, पता नहीं अभी मैं सब रख रही हूँ, पता नहीं मैं कब क्या पहनूँ, उसके लिए तो आप लोग ब्लॉग देखना, मेरे फैमिली मेंबर से भी मिल लेना। गुड मॉर्निंग गाइस, तो रात में पैकिंग करते करते मैं इतना लेट हो गई थी कि मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई, पूरा पैकिंग वगैरह कंप्लीट करी मैंने रात में, फिर भी थोड़ी बहुत तो रही जाती है रात में, कहते हैं टेलर के पास जाकर चक्कर काट के आई, मुझे जाना था 11 बजे तक, तो जो ब्लाउज था उसकी फिटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ आ रही थी बाजू में, मैंने यहाँ तक की बाजू बनवाई है, तो उन्होंने बोला आप सुबह लेके जाना, एक ब्लाउज स्टिच कर दिया था, एक ब्लाउज बचा था, तो अभी मैं बस वहीं जा रही हूँ, सुबह सुबह उठ गई हूँ फटाफट से, जाके देख कर आती हूँ, देख कर के आती हूँ बल्कि लगभग बन ही चुका है, तो बस अब वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और मैं अपना ब्लाउज़ वगैरह लेकर आ जाऊँगी फिर। तो बस कल से ऐसी भागा दौड़ी लगी हुई है, कितने तो चक्कर लगा लिए मैंने टेलर के आके, दौड़ते भागते मेरा काम हो गया फाइनली। देखिए दो ब्लाउज सिलकर भी आ गए इतनी जल्दी, विश्वास नहीं हो रहा मुझे सच्ची में, थैंक्स अ लॉट, कितनी जल्दी आपने मेरा काम कर दिया। और ये देखिए डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा सा दे दिया, जल्दबाजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि डिज़ाइन बैक का जो है अच्छा दिया है। देखिए मैंने बोला था कुछ इस तरीके से बना दो जो इजीली बन जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे, तो उन्होंने उसमें भी बेस्ट करने की कोशिश करी है। मैं बेल्ट वाले ब्लाउज पहनती हूँ तो मैंने यहाँ पर बेल्ट वाला बनवाया इस टाइप से, और ये है, ये जो मैं कल रात में साड़ी दिखा रही थी ना, ये उसका ब्लाउज है, तो ये बन के तैयार हो गया और देखो फिनिशिंग भी अच्छी दी है, तो काम तो मेरा हो गया। ये वाला एक और बनवाया था, ये वाला, ये मैंने प्लेन बनवाया था, मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास भी, तो ये प्लेन है। डीप गला बनवा लिया बैक से मैंने, ये होगा 11 साढ़े 10 के करीब है बैक में, तो इस तरीके से दोनों ब्लाउज तैयार हो गए हैं और जो बाकी का काम है वो भी अब कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ सांस फूल रही है मेरी, मिनी दीदी ने भी काफ़ी भाग दौड़ करी है, मैं मिनी दीदी के साथ ही घूम रही थी एक्चुअली, ये जो टेलर है ना मिनी दीदी ने ही बताया था, तो मैं उन्हीं के साथ घूम रही थी, आज काफ़ी सारे राउंड हो गए। सुबह सुबह जब तक घर में धूप ना आए ना मज़ा नहीं आता, तो मैं सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ मॉर्निंग के टाइम पर, चाहे फिर मुझे कोई कितना भी डांटे कि सुबह सुबह सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए, घर में धूल नहीं आती, सारे दिन हवा जो है साए साए चलती रहती है, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चाहिए कि बिल्कुल जो हमारे घर में किसी कौन होता है, किसी मतलब तुम हो सकते हो, तुम हो सकते हो, तुम हो सकते हो, कह रही थी मैं, तुम हो सकते हो, कशिश हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तुम दोनों और पिंकी भी तो है, पिंकी भी टोक देती है ना, तो चाहे कितनी भी हवा चले कुछ भी हो, मुझे धूप ऐसे डायरेक्ट चाहिए अपने कमरे में, देखिए कितनी अच्छी लग रही है सनलाइट, देखिए ना, तो बस यही चीज मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है अपने घर की, कि प्रॉपर सनलाइट आती है। पीछे ना पूरी तैयारी हो चुकी है, बैग्स तैयार है, वो रेड कलर के जो देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा बैग है जिन्हें मुझे एक बैग में रखना होगा, ऐसे तो नहीं लेकर जा सकती शादी वाले घर में, मतलब ऐसा लग रहा है सामान कुर्तों के नीचे का पहनूंगा, कुर्तों के नीचे पजामे नहीं है तुम्हारे पास, पजामे मतलब शॉर्ट्स पहन लेना, नया फैशन निकाल दो तुम, कुर्ते के नीचे तुम्हारा तो चल जाता है वो, ग्राउंड तक की कुर्तियां मेरी नहीं चलेंगी, मैं अभी से लगूंगा। कल प्रशांत ने मुझे ना 2-3 कुर्ते पहन के दिखाए और उनके नीचे पजामे नहीं थे, इतनी हंसी आ रही थी, मैं और कशिश कह रहे थे ये क्या है नया स्टाइल निकाला तुमने, कहते कल लेकर आऊंगा, तो फिलहाल ये दो है ना ये मैं ऐसे ले जाऊंगी, तो लोग कहेंगे ये बोझा ढोने के लिए आई है यहाँ पर, शादी वादी अटेंड करने के लिए नहीं आई है, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि एक बैग निकाल कर दो मैं उसमें रखूंगी, तो फिलहाल ये तो हो जाएगा वहां सेट। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे मेरे गोवा व्लॉग से रिलेटेड, तो उसका जवाब आपको देंगे अब प्रशांत, एक्चुअली फाइनेंशियली जो भी डिसीजंस होते हैं वो प्रशांत के रहते हैं, तो वो ही सब ये टेक केयर करते हैं, और सच पूछो तो गोवा की पूरी ट्रिप इन्होंने स्पॉन्सर्ड करी है, ठीक है तो आप कह सकते हो कि मेरा अर्ली वैलेंटाइन गिफ्ट था, अर्ली वैलेंटाइन तो बस बहुत लगे। खैर चलिए, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे बजट को लेके कि अगर आप गोवा अगर आप विजिट करना चाहो
तो कितना खर्चा आएगा, तो मैं आपको ना मोटा मोटा बता देता हूँ। बाकी देखिए, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपने बजट के हिसाब से ट्रैवल करते हैं, और गोवा में हर बजट के लिए, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव से लेके आप जो सस्ता होता है ना इकोनॉमिकल, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये आपकी टोटली चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे प्लान करते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने किया, मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रैवल किया और रहे, मैं आपको उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो एयर टिकट्स हमारी फ्रॉम दिल्ली जो होती है ना, पर पर्सन 11K, मतलब 11,000 पर पर्सन टू एंड फ्रो, आना जाना। और ये अगेन टाइम आपने कब बुक किया है उस हिसाब से आपको सस्ता, और आप इमीडिएटली करोगे जैसे आपको अगले हफ्ते जाना तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। होटल आपको वहां पे ठीक ठाक एवरेज होटल आपको 4000 रुपीस पर डे में मिल जाएगा, ठीक है। आप इससे ऊपर भी ले सकते हो अगर आप 5-स्टार प्रॉपर्टी लोगे। हम लोगों ने 5-स्टार नहीं ली थी प्रॉपर्टी, हमारा लंबा ट्रिप था तो हमको स्प्रेड आउट करना था। तो हम लोगों का जो टोटल पीरियड था वो था करीब 14 डेज का, इंक्लूडिंग ट्रेवल डेज। तो आप उस हिसाब से अपना भी ट्रेवल कर सकते हैं। रीमा को और मेरे को सुबह के वक्त काम रहता था, इसलिए हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया। लेकिन अगर आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय करने जा रहे हैं वेकेशन के लिए, फुल मूड से जा रहे हैं, तो आपके लिए 7 डेज एनफ रहेगा। वो कैसे, आप 2 डेज 1 डे ट्रेवल कर रखिए, जिसमें कि हाफ डे आना जाना अगर आप फ्लाइट से कर रहे हैं। और हाँ, फ्लाइट से जरूरी नहीं है आप लोग जाएं, अगर ट्रेन भी बहुत अच्छी चलती है और आपकी प्रॉक्सिमिटी गोवा से पास में है, तो आप लोग बस से भी ट्रेवल कर सकते हो। तो गोवा वेल कनेक्टेड है। तो अगर आप 6 डेज से 7 डेज के लिए जा रहे हैं, तो एक दिन आपका ट्रैवल का हो गया। और 6 डेज को आपको कैसे स्पेंड कर सकते हो, आप 2 डेज रह सकते हो साउथ गोवा में, वहां पे जो बीचेस हैं बेलोनियम वगैरह वो सब, आई होप आई एम स्पेलिंग इट करेक्ट, और भी जो वहां पे 4-5 काम बीचेस हैं अच्छे हैं, मैंने अपने ब्लॉग में तुमने बताया ही है। उसके अलावा आप जो आ सकते हैं 3 डेज के लिए, आप आ सकते हो नॉर्थ गोवा, और नॉर्थ गोवा में आपको बागा बीच, कलंगूट और वो सारी चीजें मिलेंगी। और एक दिन के लिए पंजिम में रुक सकते हो, ताकि आप वहां पे बोट क्रूज वगैरह कर सको या आप कैसीनो जा सको। तो दिस इज हाउ यू कुड स्पेंड योर 6 डेज देयर। और इसके अलावा होटल जैसे कि बताया 4000 रुपीज पर डे, जिसमें कि आप कोशिश करोगे तो आपको विद ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। और तो इस हिसाब से आप अपना मान लीजिए 6 डेज आप गए, 6 4 24 22 24,000 आपका उसका लग जाएगा होटल का। और उसके अलावा फूड का, हम लोगों ने जो रेस्टोरेंट चूज किए थे वो काफी सोशल मीडिया पे फेमस रेस्टोरेंट्स थे वो, तो हम लोगों का जो पर डे का पर पर्सन एवरेज फूड का आया वो 1000 रुपीज पर पर्सन आया। तो आप लगा सकते हो उस हिसाब से, हम लोग 3 लोग थे तो 3000 रुपीज था। बाकी आप जितने दिन रुकोगे उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम लोगों का जो ट्रैवल था, हम लोगों ने वहां पे, क्योंकि हमने स्कूटी नहीं ली वहां पे या 2-व्हीलर नहीं लिया, तो हमारा इतने डेज में हमारा 10,000 रुपीज का कैब का खर्चा आया था। अब यहीं पे अगर आप 2 लोग हैं तो आप ट्रेन ही ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हम लोग 3 लोग थे तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए पड़ा था, क्योंकि वहां पे 300-400 रुपीज पर डे की पर वो थी। तो आप लगा लीजिए हिसाब, तो हमें 1000 का पड़ता, तो अगेन हमें वो हमें दो लेनी पड़ती, तो 11 और उसके अंदर आप जो है पेट्रोल भी पड़वाते हैं, तो वो 1000 रुपीज पर डे का पड़ता वो भी हमें। तो इस तरीके से हमें इक्वल पड़ा। फायदा ये हो गया कि हम 3 लोग थे, साथ गए। हाँ। और उसके अलावा धूप नहीं लगी और बहुत दूर भी गए, क्योंकि आप ट्रेंडी से हर जगह नहीं जा सकते हो, 30-40 किलोमीटर जैसे वो जो एक बीच था जिसमें हम गए थे। हाँ। तो काफी दूर था, तो टैक्सी आपको करनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने टैक्सी पे ही वहां पे किया था। अगर आप 2 लोग हैं तो आप ट्रेंडी ले सकते हो, आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। एक्टिविटीज में आप लोग, हमारे खर्चे हुए थे लगभग 4-5,000 जो स्पोर्ट्स वगैरह किया था। अगेन हम लोगों ने बागा से किया था, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप कलंगूट साइड से करोगे या फिर आप मान लीजिए किसी अंजुना बीच से करते हैं, तो वहां पे पैकेजेस मिल जाते हैं 1300। बागा पे वैसे नहीं था, तो इंडिविजुअल हम लोगों ने पे किया था। तो वो आपको पैकेज कुछ मिल जाएगा 1300-400 पर पर्सन में, जिसमें वो शायद 4-5 स्पोर्ट्स कराते हैं। वो पैराग्लाइडिंग और स्कूटी और भी होता है बनाना बोट वगैरह, तो उस तरीके से 5 करते हैं। और कसिनो में हाँ, हमारा लगा था, हम लोगों ने 3 कैटेगरी होती है वहां पे, रेगुलर, प्रीमियम और VIP। तो हम लोगों ने प्रीमियम लिया था, उसमें हमारा लगा था 6400 पर कपल। और अगर आप इंटरनेट से बुक कराते हो या
उनके कॉल सेंटर पे कॉल करके बुक करते हो तो आपको 5-10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। फोटोग्राफी के लिए आपके कुछ मतलब आप जो गेमिंग एरिया होता है वहाँ पे नहीं कर सकते, बाकी सब जगह आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मेरे पास रेगुलर मेरे ब्लॉग्स पर पूछी जा रही थी और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि बजट वगैरह बता दीजिए, हम भी प्लान कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। प्रशांत ने अच्छे से समझा भी दिया होगा और आप लोगों को प्रशांत की बात अच्छी भी लगती है। नहीं, जो हुआ देखिए, मैंने पूरा ऐसा बीमा ने कहा कि बताना है क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा है, हेल्पफुल हो जाएगा, तो मैंने सारा हिसाब लगाया और टोटल मैं से आपको पर पर्सन और पर डे के हिसाब से बताया, तो आप उसी हिसाब से नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के हिसाब से और नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आप जो है प्लान कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव एंड रीमा की तरफ से किसेस। बाय, आप भी बांट दो। बाय, मैं नहीं बांट रहा, तुम बांटो। शर्मा गए।